जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी हो गया है और मुझे कल से ज्वाइन करना होगा। अरे बेटा ये तो खुशी की बात है, तो सर उठाकर मुस्कुराकर बतानी चाहिए मैंने रिटायरमेंट ले ली है। क्या ये कौन है जो बेल पे हाथ रख के भूल गया है? सलाम तुम क्यों साली साहिबा? अब क्या मैं अपने ससुराल भी नहीं आ सकता? कहीं तुम बाकी मालो दौलत की तरह ये घर भी अपने मियाँ के नाम करवाने तो नहीं आ गई? खैर अब मैं वापिस चला जाता हूँ, अंदर आने को तो तुमने कहना नहीं है। नहीं अंदर आओ चला। मैं आया हूँ अपनी बेगम के लिए, आज तो उसे लेकर ही जाऊंगा। अनमोल घर पर नहीं है। हैं कहाँ? अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अरसान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग तो मुझे देखकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं जैसे आपको तवक्को ही नहीं थी कि मैं आऊंगा मुड़कर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम अकेले आए हो, वो एरम और आपा को भी साथ ले आते। अरे मानी आप तो जानती हैं ना अम्मी को, वो थोड़ी सी गुस्से वाली हैं, अभी तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा इस तरह से रिश्ते नहीं निपते, थोड़ी सी लचक तो होनी चाहिए ना, तो इस वजह से। वैसे माजरत के साथ मानी, आपने बेटी की तरबियत बिल्कुल ठीक नहीं की, देखना किस कदर बेमुरव्वत है, एक फ़ोन नहीं किया उसने मुझे और जब मैं कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही, कब से आया खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, इतना नहीं कि आगे अस्सलाम वालेकुम कह दे, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते को चलाना चाह रही आगे। अरे नहीं नहीं अरसलान ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आप अपनी बहन को बहुत मिस कर रही हैं। क्या मतलब? आप जानती हैं मेरी बहन को? मेरा मतलब क्या जानती हैं आप मेरी बहन के बारे में? आई एम सो सॉरी आपको बुरा लग गया, वो आप किसी की दुल्हन बनी हुई पिक्चर देख रही थी ना, तो मुझे लगा शायद आपकी बहन है और आप मिस कर रही हैं इसलिए देख रही हूँ। बिल्कुल ठीक समझा आपने, वो मेरी बड़ी बहन ही थी, मेरी बड़ी बहन तूबा, बहुत ही मासूम सादा सबसे प्यार करने वाली। लगता है रिसेंटली शादी हुई है इसलिए इतनी कमी महसूस कर रही है, बहुत मोहब्बत करती है ना आप अपनी बहन से। जी हाँ अभी कुछ ही तो दिन हुए थे उसकी शादी को कि उन दरिंदों ने उसे किसी मासूम सी चिड़िया की तरह चीर फाड़ के रख दिया। जी बाबा क्या होगा? तुमने अनमोल को फोन करके बताया है? उसको बोलो फौरन घर आ जाए। क्या आज अनमोल का पहला दिन है ऑफिस का, वैसे कैसे काम छोड़ के आ सकती है? और आप साफ साफ बता क्यों नहीं देती इसे कि वो जॉब कर रही है, छुपाने वाली क्या बात है? पागल हो गई, वो यहाँ बात बनाने के लिए आया, उसको मैं ये बोलूंगी कि वो जॉब कर रही है? इस जॉब के ना मैं खुद भी खिलाफ थी, तुम्हारे बाबा ने बस सही कहती है, तुम दोनों बेटियों को ना तुम्हारे बाबा ने बहुत डीट दे रखी है। तुम मुझे ये बताओ ना कैसे बताऊं कि अनमोल ने जॉब कर ली है? हैं 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 जॉब? कैसी जॉब? और मुझे क्यों नहीं बताया? वो बेटा मैं बात दरअसल ये है कि वो अनमोल ने जॉब शुरू कर दी, उसे एक अच्छी जगह से जॉब की ऑफर आई थी, आज उसकी जॉब का पहला दिन। बेटा मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी। रहने दे अम्मा,
भाई नहीं उठाने वाले आपकी कोई कॉल। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। हेलो अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों बार बार फोन कर रही है मुझे? अरसलान, अरसलान, वो मैं कॉल इसलिए कर रही थी अरसलान कि कहीं तुम्हारे और कबीर के बीच में बात बिगड़ ना जाए। ए, अम्मी मैं यहाँ पर बात बनाने आया हूँ। अरे नई खबर तो सुनी नहीं आपने अम्मी? आपकी बहू रानी ने जॉब शुरू कर दी है, आज पहला दिन है उसकी नौकरी का। हाँ ये तो वैसे हद ही नहीं कर दी उसने, ना किसी से पूछा, ना इजाजत ली, ना शौहर का ख्याल, ना ससुराल की इज्जत का, नौकरी कर ली उसने। नौकरी कर ली है, जरूर हदील के ऑफिस में ही की होगी। अम्मा ये है ना मेरी खुशियों की दुश्मन, ये नहीं होने देगी हदील को मेरा। वैसे अरसलान ये अनमोल ने अच्छा नहीं किया, कबीर ने भी नहीं रोका उसको। अरे अम्मी आप हमेशा हवा के घोड़े पे सवार हो जाती, कभी तो ठंडा करके खाया करें। देखें इसमें ना हमारा ही फायदा है, वो कमा कर लाएगी और हम खाएंगे आराम से बैठ के, सिंपल। अच्छा चल मैं अब फोन रखता हूँ, तो आज ना मैं अपने सोने की चिड़िया को घर लेकर ही आऊंगा, लेकिन एक काम कर लीजिएगा पहले आप, वो इरम को ना सुला दीजिएगा पहले ही आप, वो बहुत शोर करेगी। ठीक है चले, ओके ओके। अरे मेरी बात, हेलो मैं आपको बता रही हूँ तो खिचड़ियाँ पक रही है ना वहाँ पर, उससे मेरी जिंदगी में बहुत नुकसान होने वाला है। इरम मेरा दिमाग पहले बहुत खराब हो रहा है, समझ आइए, चली जा यहाँ से, चल मेरा और दिमाग खराब ना कर, चली जा। मेरे पीछे ही पड़े रहना हर वक्त। मामू मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मेरा यकीन करें, अगर आप चाहें तो आप अम्मी को भी कॉल कर सकते हैं, वो तो मुझे अभी तक आने नहीं दे रही थी, इस कदर गुस्से में हम। लेकिन मेरा ज़मीर बहुत मलामत कर रहा था मुझे कि मैंने आपसे बदतमीजी क्यों की। बैठा था मुंह पर तो बैठो, पर बैठ के बात। देखो बेटा, पापा को मैंने हमेशा बहन नहीं माँ समझा है, और इरम और तुम्हें अपनी औलाद से कम नहीं समझा, मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुमने और पापा ने मुझसे गलत बयानी की है तुम्हारी जॉब के बारे में। मामू मैं मानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, मैं शायद अनमोल के लायक ही नहीं था, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका ये फैसला सही साबित करके दिखाऊंगा, खुद को अनमोल के काबिल बनाऊंगा, अनमोल के कदम के साथ कदम मिलाकर चलूंगा। अनमोल अपनी खुशी से नौकरी कर रही है क्योंकि उसे लगा ये उसकी जरूरत है, और शायद उसका ख्वाब भी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आपा को इस नौकरी से कोई एतराज नहीं होगा। मामू अम्मी का मिजाज तो आप जानते ही हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है, अनमोल को अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का मुकम्मल हक है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत को अपने पाँव की जूती समझते हैं और उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं, मैं अनमोल का साथ उसके हर फैसले में दूंगा। अच्छा हम तुम्हारी सारी बातों पर यकीन कैसे कर लें? अदील अनमोल मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है वो, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है और इसी वादे के तहत मैं अनमोल को आज अपने साथ ले जाने आया हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज मैम। अनमोल मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है वो, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। झूठ, एक लफ्ज झूठ, एक एक लफ्ज झूठ।
अनमोल, सबको जानते हुए भी तुमने फिर भी किया ये, क्यों? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अरसलान के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया और मेरी अनमोल अपने घर चली गई। बस अब तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मज़ा का गुस्सा भी अल्लाह ख़त्म कर दे। तो मैं, पता है आज मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारी सास को फ़ोन करूं। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी कि पता नहीं इसकी माँ को बेटी के घर बसाने की फिक्र ही नहीं है। फ़ोन आ रहा है। हेलो, कौन? हाँ हाँ, आप तो पहचानने से इनकार कर दो। अरे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना तुम माँ बेटी। आए मैं बर्बाद हो गई। अरे मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम जैसे बेहिस लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा था। हुआ क्या ऐशद बहन, आप मुझे बताएं तो सही, सब खैरियत तो है? अरे तुम जैसे लोगों में कहाँ इतना रहम के पलट के पूछ लेते कि क्या हाल है। मेरा बच्चा, मेरा मजर, पहले ही बेरोजगारी से परेशान, ऊपर से उसकी बीवी छोड़ कर चली गई उसे। क्या करता वो बेचारा? आए मेरे लखते जिगर की जान लेके छोड़ी तुम्हारी बेटी ने। इशरत बहन, आप मुझे खुल के बताएं, मैं परेशान हो रही हूँ आपकी बातों से। हुआ क्या है? अरे होना क्या था, खुदकुशी कर ली मेरे बच्चे ने, खुदकुशी, जहर खा लिया उसने। डॉक्टर कह रहे कि वो नहीं बचेगा। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। अय अल्लाह मेरा बच्चा, वो उसने अपनी जान ले ली तुम्हारी बेटी की वजह से। ये क्या कह रही हैं, मजहर ने जहर खा लिया है क्या? हाँ, अम्मी क्या हुआ है मजहर को, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अगर तुम घर छोड़ के जा सकती हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। देख लो, मेरी बात सुन लो तुम, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें और तुम्हारे खानदान को नहीं छोड़ूंगी, सुना तुमने? मेरी बात कराओ। हेलो, आप बहन मुझे बताएं कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हेलो हेलो इशरत बहन, अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मी मेरी बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने इस महारानी के नखरे उठाने ना, शौक से उठाएं, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मुझे वैसे ही वो एक आंख नहीं भाती है। इरम, मैं और अरसलान एक तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से तुम चिड़चिड़ करने से बाज ही नहीं आ रही हो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा ना, सही कहते हैं कि लड़की का असल घर जो होता है ना, उसका ससुराल होता है। अब मैके में थी, कैसी मुरझाई हुई थी, अरसलान के साथ खड़ी हो तो कैसी खिली खिली लग रही हो माशाल्लाह। वाह अम्मी, सिर्फ बहू का हाल सुना रही है, मेरा भी तो बताएं अनमोल को कि कैसा हाल हो गया था मेरा, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। हाँ जाहिर है, अनमोल को इस बात का एहसास था तभी तो आ गई तुम्हारे साथ। पता है, मैंने बहुत जबरदस्त किस्म का नाश्ता बनाया है तुम लोगों के लिए, और अनमोल तुम्हारी ख्वाहिश के सामने बेटा मैंने घुटने टेक दिए, वरना अच्छा थोड़ी लगता है अब नई नवेली दुल्हन का नौकरी करना। चलिए मुझे देर हो रही है, मैंने चलो ना मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था ना, तो मैं आ गई हूँ, अब तो दिल लग रहा होगा, तो जल्दी से नौकरी ढूंढें और काम पे जाना शुरू करें। लाफिस लाफिस। नहीं आप लोग जो इसकी इतनी चापलूसियां कर रहे हैं ना, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। कभी तो खुश हो जाया करो। अम्मा प्लीज अदील को बताएं ना फोन करके, यार फोन को फोन क्यों नहीं लग रहा है। हेलो 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 अदील, आवाज आ रही है मेरी? क्या बात है, सब खैरियत? अदील वो मजर ने ना जहर खा लिया है। Thank you.
मैं नहीं मान सकती। हाजिर ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे तो क्या इशर बहन झूठ बोल रही थी? तुम्हें कुछ अंदाजा है? एक बेरोजगार मर्द के पास सिर्फ उसकी बीवी सहारा होती है। तुम्हारे बाबा की जिंदगी में कितनी ऊंच नीच आई, कितना अच्छा बुरा वक्त आया, लेकिन मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। आज भी उनके साथ खड़ी हूं। और तुम औलाद होके एक छोटी सी बात को देख कर तुम अपने घर आ गई। तुमने आज अगर अकल का मुजाहरा किया होता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि खुदा ना खासा कर्मा सर को कुछ हो गया तो हम इशर बहन को क्या मुंह दिखाएंगे? सर को कुछ नहीं होगा, पापा को तो फोन करें ना। कह दिया है मैंने अदील से, बता दिया होगा उन्होंने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अभी सारी बातों का तुम्हारे बाबा को पता चलेगा, उन पे क्या गुजरेगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी जिंदगी को सेट करने के लिए तुम्हारे बाबा ने कितना बड़ा फैसला किया अपनी जिंदगी का? उन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट का फैसला किया है ताकि तुम्हारी जिंदगी सेट हो सके, मदर का कारोबार सेट हो सके, और तुम एक बेवकूफ लड़की हो। क्या बोलूं मैं तुम्हें? अब तो मुझे ये बताओ, अगर खुदा ना खासा मदर को कुछ हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे इशर बहन को? बेटा ये सब क्या हो गया? मेरी बच्ची कोमल हो तो ये सब कुछ सुनकर ही। अरे मामू प्लीज परेशान मत हो, मत फिक्र करें इतनी। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर कोमल को कौन संभालेगा? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम जा रहे हैं ना अभी मसर को देखने, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। काम कर कर के थक गई थी, सोचा तुमसे थोड़ी बातें करूं। वो उस दिन अपनी बहन के हवाले से कुछ बता रही थी, तुम चाहो तो अपना गम मुझसे शेयर कर सकती हूँ। बस अनमोल क्या बताऊँ, ये गम तो सारी जिंदगी का है। काश कि तूबा की शादी उस जालिम फैमिली में ना होती तो आज वो जिंदा होती। तो जांच पड़ताल नहीं कराई थी उस फैमिली की शादी से पहले? जब किस्मत खराब हो तो लाख जांच पड़ताल के बाद भी इंसान से गलत फैसले हो ही जाते हैं। सही कह रही हूँ, लेकिन हमेशा किस्मत कसूरवार नहीं होती। कभी कभार हिम्मत ही नहीं होती कि गलत फैसलों के सामने उठ खड़े, या फिर हम इंसान काफी मजबूर हो जाते हैं। I'm so sorry, मैं पता नहीं क्या बातें करने बैठ गई। था कौन जिससे शादी की थी? इंसान कहलाने के लायक नहीं था वो, उसका नाम। हाँ कोमल। अनमोल तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो? वो अभी अम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि मजर ने जहर खा लिया है। मैं आती हूँ। हॉस्पिटल चेक करें। चल मम्मी, कब तक ऐसे टहलती रहेंगी? बैठ जाए आप। बेटा कैसे बैठ जाऊं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ना तुम्हारे बाबा फोन करके कुछ बता रहे हैं और ना ही इशर बहन का कोई फोन आया है। मैं तो कहती हूँ मुसल्ला डाल के बैठ जाओ, दुआएं मांगना शुरू कर दो अपनों के लिए। अपनों की दुआएं अनहोनी टाल दिया करती हैं।
हाँ लेकिन एक बात है, अपना समझा जाए किसी को। तो मैं तो कहती हूँ यहाँ बैठे बैठे हम कर क्या रहे हैं, चलो इशरत के घर चलते हैं। मैं गई थी उनके घर लेकिन ताला लगा हुआ था, यकीनन हॉस्पिटल ही गए होंगे। गजाला, गजाला, क्या हुआ कबीर, मजर कैसा है? मानी हम उनके घर गए थे मगर कोई था नहीं घर पे, फिर जो आसपास के जो अस्पताल है वहां पे भी गए, कोई नहीं मिला। हमने उनको फोन भी किया मगर फोन ही नहीं उठा रहे। तो क्या मतलब है इस बात का? तो भैया आप लोग किसी आस पड़ोस से पूछ के आना चाहिए था ना, ऐसे बगैर पूछे आप लोग घर कैसे आ गए? अरे भाई कोई सिरा मिले तो उन तक पहुंचे ना, मैं भी परेशान हूँ। अदील ने भी बहुत कोशिश की, उनका कोई पता नहीं चला। खैर हम जाएंगे दोबारा देखने के, वो आ गए हो शायद। इन सब चीजों के पीछे ना आप जिम्मेदार हैं। अम्मी क्या हो गया है आपको? कभी आप बाबा को कसूरवार ठहराती हैं तो कभी कोमल को, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सारा का सारा कसूर मजहर का है और किसी का नहीं। कसूर है इनके शय की वजह से ही ना, आज तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं भी माँ हूं इनकी, आपको क्या लगता है मुझे इन लोगों की कोई फिक्र नहीं, इनके घर बसाने की, इनकी जिंदगियों की, इनकी खुशियों की? मानी प्लीज अपने आप को संभालें। देखिए हम सब कोशिश तो कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, मजर को सब ठीक होगा। कितनी बार मैंने इनसे कहा है कि एक फोन कर लें, लेकिन नहीं, मेरी तो ये सुनते ही नहीं है। ऊंच नीच किस घर में नहीं होती है, ये तो हम माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों की खुशियों का ख्याल रखें। कबीर खुदा ना खास्ता अगर आगे जाके कोई नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई कौन देगा? तो जो कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया सब गलत था, उनका ख्याल रखा, उनको खुद को दूसरों को इज्जत देना सिखाया। एक बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ भी कर सकता है मैंने किया, यहां तक कि कर्जदार हो गया, वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली चंद पैसों के लिए, सिर्फ इसलिए कि बच्चियों का घर बसा रहे, और उस पर ये बातें। कहाँ से ले रहे हो आलू मीठे हैं? बदलो बंदा। अम्मी वापिस आने का दिल नहीं कर रहा, इतना अच्छा लग रहा है मामू का घर आपको। अरसलान तुम तो आ जाओ ना फौरन कबीर के घर, मुझे तो लगता है कबीर बिल्कुल ही पागल हो गया है। पागल सारा पैसा उठा के मजहर को दान कर देगा। अब कौन से मामू के असासे मंजरे आम पर आ गए जो मजर अकेले हड़पने के चक्कर में ए मामू घर बेचने का तो नहीं सोच रहे? अरे तुम घर की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कोमल का घर बचाने के लिए वो अपने आप को भी गिरवी रख देगा। पता नहीं ऐसी क्या बात है इस कोमल में, अभी तक उसके मियां पर नोटों की बारिश हो रही है, नोटों की बारिश हो रही है। सच पूछो ना तो कबीर के घर की असल सोने की चिड़िया जो है ना वो यही कोमल है। इतनी मिसनी ऐसे चुपके चुपके बाप की दौलत सरकार रही है, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे, मेरी तो अपनी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अरे अम्मी दिल जलाना बंद करें, आप साफ साफ बताएं हुआ क्या है। नहीं नहीं आप रुके, मैं आ रहा हूँ अभी, देखें सही
कैसे कैसे ले देंगे सर पैसे? मैं देता हूँ पैसे इसके बाद में। हाँ मजहर अपने दोस्त को फोन करो। अरे कब तक हम अपने फोन यूं बंद करके बैठे रहेंगे? कबीर मियां से माल भी खींचना है या नहीं? फोन किया अम्मा मैंने उसको, वैसे फोन ऑन करके चेक किया था मैंने, काफी कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। लगता है अम्मा तुम्हारी अदाकारी काम कर गई। अरे अकल के दुश्मन, अरे उसको बुलाओ फौरन, मतलब बना बनाए खेल ही ना बिगड़ जाए ना। वैसे फोन ऑन करके चेक किया था मैंने, कॉल ही कॉलें थी, मैसेजेस ही मैसेजेस थे। हाँ हेलो, अरे कहाँ हो यार? हाँ हाँ वही, वो डॉक्टर का रोल ही है। अरे पैसे भी हो जाएंगे, ये बात करो। हेलो, हाँ भाई छोटा सा काम है, आ जाओ, कोई 2-3 हजार रुपए ले लेना। 5 हजार रुपए? बेटा हम कोई फिल्म थोड़ी बना रहे हैं, थोड़ी सी देर का काम है। अच्छा अच्छा दे देंगे पैसे। अब थोड़ी सी तो रियायत करो, तुम्हें तो पता है मजहर कोई काम धंधा तो करता नहीं है। सुनो, एक्टिंग ऐसी करना कि देखने वाले को फौरन यकीन आए तुम्हारी बात पे। हाँ चलो ठीक है, शराफत का कोई जमाना ही नहीं है भाई, बंदे की जबान पर एतबार ही नहीं है। कमाल है, जिसको देखो मुंह फाड़ फाड़ के नोट मांग रहे। ऐसे अम्मा आप भी तो पैसे के लिए कर रही है ना सब कुछ, तो अगर उस बेचारे ने पैसे मांग लिए तो उस पर क्यों करा रही? क्या बात है मजहर, कि तुमने इसके पैसों में अपना कट तो नहीं रखा? क्यों कर रहे हो तुम उसकी इतनी वकालत? कम से कम मुझ पे तो शक ना करें। अच्छा चलो चलो घर चले, देखें तो सही तुम्हारे ससुराल वालों को कितनी फिक्र है तुम्हारी, को पैसे भी ढीले करते हैं या नहीं। अच्छा जल्दी जल्दी खत्म कर, तुझे चाय की पड़ी है, जान पे बनी है। दिल बेटा चलो चलते हैं दोबारा, हो सकता है वहां कोई मिल जाए, शायद वो लोग अब घर आ गए। हाँ मैं एक और बार फोन करता हूँ। हेलो अस्सलाम, आप इशरत आंटी? जी ये लीजिए बात। अरे कहाँ हैं आप लोग इशरत बहन, कब से फोन कर रहे थे, आपका फोन बंद आ रहा था। मजहर कैसा है? अरे क्या बताऊं भाई साहब, कैसी तबीयत है मेरे बच्चे की, अधमुआ बिस्तर पे पड़ा है। अरे अपनों ने तो पूरी कोशिश कर ली उसकी जान लेने की, मगर मेरे रब ने बचा ली। मजहर कैसे पूछे, आप लोग हैं कहाँ? अरे कहाँ होंगे हम भाई साहब, अस्पताल में थे, एक वार्ड से दूसरे वार्ड, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर। जो वक्त हमने अपनी शराफत से देखा ना भाई साहब, कोई दूसरा होता तो कभी भी बर्दाश्त ना करता। अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, हम आते हैं। मजहर बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है, हम बस अभी अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। भी तो देना, खुद ही खाए जा रहा है, इतनी मेरी ताकत जाया हो गई। चलो दिल बेटा वो मजहर घर पे आ गया, उसके पास चलते हैं। ठीक। अरे कबीर अब भी कोमल के बगैर चले जाओगे? यानी कोमल मजहर की बीवी है, मजहर को उसकी खिदमत की जरूरत है, यही तो वक्त है। अरे कुछ तो अकल से काम लो कबीर। हाँ आपा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अभी कोमल को लेकर आती हूँ। कबीर इतना मुश्किल वक्त है उसके शौहर पर, वो अभी अपने शौहर की खिदमत नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? यही तो वक्त है उसका कि वो खिदमत करे उसकी। हाँ हाँ बिल्कुल, जाके कोमल को लेके आओ, और अरसलान तुम अनमोल को लेके घर जाओ, इरम अकेली है घर में। मैं जरा कबीर के साथ जाऊंगी, वापसी भी कबीर मुझे घर छोड़ देगा, ठीक है ना कबीर? आऊं मैं आपसे एक सेकंड बात करूं। अरे नहीं बेटा नहीं, जो और शर्मिंदा मत करो, मैं पहले ही तुमसे अपनी तरबियत की बहुत बड़ी कीमत वसूल कर चुका हूँ, और ऐसा मत करो। अरे नहीं मामू,
छोड़िए, ये इस वक्त कोमल को देना बहुत जरूरी है। पता नहीं उसके साथ क्या सलूक हो, क्या हाल हो उसका। तुमने ये पैसे अनमोल की गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के लिए निकाला, अगर तुम मुझे दे दोगे तो इंस्टॉलमेंट का क्या। अरे मामू क्या रोना, छोड़िए, इस वक्त ये पैसा मजहर को देना बहुत जरूरी है। बस मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र नहीं करें। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने दुनिया वालों को सोचकर तुम्हारे और अनमोल के साथ बहुत नाइंसाफी कर दी। माफ कर दो मुझे। अदील की सारी दौलत तो कोमल सरकार ही रही है, जहां तो अदील का माल भी मजहर पे लुटाया जा रहा है। इरम ठीक कहती है, मुझे जल्द इरम और अदील की शादी की बात करनी चाहिए। कोमल तुम तो बस वहीं रुक जाओ, आइए आइए भाई साहब, देखिए क्या हालत होगी मेरे बच्चे की। देखिए हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। आप लोग दुआ करें, इनकी रिपोर्ट अभी भी अच्छी नहीं है, कि ये सरवाइव कर सके। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कबीर साहब, आखिर मेरे बच्चे ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया था कि इसने मेरे बच्चे की ये हालत कर दी। इशरत बहन, हम अब आपसे बहुत शर्मिंदा है, हमारी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मजर बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। मेरा ख्याल है कि मरीज को कुछ देर के लिए सब तनाव छोड़ दें, मैंने इनका चेकअप कर लिया, अब मैं चलता हूँ, सुबह आऊंगा। मेरा बच्चा बच तो जाएगा। हौसला रखो इशरत, अल्लाह की जात बचाने वाली है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो तुम। अरे जब एक बेरोजगार की नौकरी छूट जाए और उसकी बीवी भी उसका साथ छोड़ जाए, तो एक गैरतमंद इंसान के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अरे आप लोग तो अंदाजा ही नहीं कर सकते किस कर्ब से हम गुजरे, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमें। मैं तो अभी भी सोच के अजीब लगता है कि मेरे मजहर की बीवी घर से भाग गई। बहन, न जाने मेरी बच्ची बगैर इजाजत के घर से कैसे निकली है, लेकिन आप लोग यकीन करें वो हमसे ही मिलने आई थी। आखिर मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया था, चंद रुपयों की बात थी। मेरा कारोबार जम जाता तो मैं आपकी बेटी पे ही खर्च करूं और आपकी रकम भी वापस लौटा दो। आप लोगों ने तो हेले बहाने शुरू कर दिए, और तो कोमल ने भी आंखें सर पे चढ़ा ली, जैसे इस घर में हम सब उसके बाप का दिया करते। बात बात पे जबान चलाना तो इसकी आदत बन गई, इंतहाई मुंहजोर और घमंडी है आपकी लड़की। कोमल, तुम अपने शौहर से इस तरह का रवैया रखती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो जुबान तक नहीं खुलती है इनके सामने। जुबान तो नहीं खोली, लेकिन घर से तो निकल गई ना बगैर बताए। ऐसी होती है ताबेदारी शौहर की, शर्मिंदा करा दिया ना माँ बाप को। पापा मैंने कुछ नहीं किया है। बस चले जाए आप सब लोग यहाँ, और अपना पैसा और अपनी बेटी को भी अपने साथ ही ले जाए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जिसके लिए मुझे एक मुंहजोर और
बदजुबान लड़की को इस घर में रखना पड़े। मैं कोमल को तलाक। अरे नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसा जुल्म नहीं करना बेटा। बहन मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मजहर को समझाएं, उससे कहें कि ऐसे ना कहें, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मजहर बेटा, इस तरह गुस्से में इतना बड़ा फैसला मतलब, इशरत बहन आप इन्हें समझाइए ना बेटा, मेरा रिटायरमेंट का जो भी फंड है वो सब मेरी बेटियों का है, जैसे ही मुझे कुछ मिलेगा मैं सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा, यकीन करो मेरी बात का। और बेटा ये मैं फिलहाल तुम्हारे लिए लाया था, इसको रखो, मैं बाकी का बंदोबस्त करता हूँ बेटा, ये वादा है मेरा।